अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज बहुत ही मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि आज हमारे जफरुल्लाह खान साहब जो कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं उनके 10 साल आज पूरे होते हैं पार्टी के अंदर नेशनल जनरल सेक्रेटरी के अहदे पे होते हुए। आज उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बेहतरीन तरीके से सेकेंड लीडरशिप थर्ड लाइन लीडरशिप उन्होंने जो डेवलप करने का जो सपना रखा था आज तक उन्होंने सेकेंड लाइन लीडरशिप में बहुत लोगों को आगे लीडरशिप का एक मौका दिया हुआ है। तो आज उनके 10 साल पूरे होते हैं। आज हमारे जफरुल्लाह खान साहब हमारे ऑफिस में पहुंचे हुए थे, बहुत खुशी की बात थी। और हमारे असजद साहब ने एक सवाल किया कि बेंगलुरु सिटी की कमेटी क्या डिसॉल्व हो गई है करके, तो मैं इसका जवाब में ये कहूँगा कि बेंगलुरु सिटी का सदारत लेते हुए मुझे पूरे 3.5 साल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बखूबी मेरे जो जिम्मेदारी दी गई थी अभी तक मैं निभाया हूँ। तो हमारे जो सदर सीएम इब्राहिम साहब हैं तो ऐसा भी नहीं कि मैं एक ही पोजीशन पर बैठ जाऊँ, हो सकता है कि कुछ चेंजेस भी आए, कोई दूसरा सदर आए, यानी हो सकता है कि मुझे ही कंटिन्यू करने के लिए कहें। तो ये मेरे पास अभी तक कोई कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक कुछ जिम्मेदारी दी गई है, हमें एस्पिरेंट कंसल्टेशन कमेटी बनाई गई है तो उसमें मैं भी एक हिस्सेदार हूँ। हमारे बाबू साहब जो वो भी एक हिस्सेदार हैं, इनके सदर शफीउल्लाह साहब को बनाया गया है। तो आने वाले दिनों में हमारे इमरान साहब जो कि उनकी सदारत में शफीउल्लाह खान साहब की सदारत में ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूएंसी माइनॉरिटी प्रेसिडेंट्स और वार्ड माइनॉरिटी प्रेसिडेंट्स को आने वाले मंगल में जो 28 आने वाले 20 पर 8 तारीख को एक मीटिंग बुलाई गई है कि उनको हम लोग एक फॉर्म देंगे, वो भी जो भी एस्पिरेंट करके अपने अपने मोहल्लों में आगे बढ़ के आ रहे हैं तो वो खुद उसके अंदर सर्वे करेंगे, टिक करेंगे और हमें भी मौका मिले तो हम भी खुद जाएंगे वहाँ पे। ये कमेटी सर्वे करेगी एस्पिरेंट्स, अगर वाकई में जीतने वाला एस्पिरेंट है उसके पास भले करोड़ों रुपया ना हो, अगर उसका नाम है सोशल मीडिया में, वो हाईलाइटेड है, लोगों के दिलों में जगह रखता हो, वैसे कैंडिडेट को हम इंशाल्लाह चुन के लेके आके हम लोग हमारे सदर सीएम इब्राहिम साहब के और हमारे जफरुल्लाह खान साहब के और जो भी हमारे सदारत इमरान साहब शफीउल्लाह साहब उनके सामने हम लोग लाएंगे इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में बीबीएमपी इलेक्शन आने वाला है, हम लोगों की कोशिश यही है कि हमारी जनता दल 2020/3 में हमारी सरकार अति बहुमत से हमारी सरकार है। सलीम पाशा 2019 से हमारी पार्टी में शहर बेंगलोर पूरा ज़िले बेंगलोर से माइनॉरिटी की जिम्मेदारी संभालते हुए इन्होंने दिन रात मेहनत करके पार्टी को मजबूत करने का काम किया है, ठीक है। और हमारी पार्टी में पूरी तरह से वफादारी से ईमानदारी से इन्होंने इनकी जिम्मेदारी को निभाया है। तो आज मुझे उन्होंने पहली बार इनके क्षेत्र खसूसी तौर पे बिलखसूस वार्ड नंबर 33 के
उम्मीद रखते हुए इन्होंने जो ऑफिस वगैरह बनाए हैं, तो मुझे भी यहाँ पे पहली बार आने का मौका मिला। मौका क्या मिला? सलीम पाशा को बहाना मिला कि मेरे 10 साल इस जनता दल पार्टी में पूरे हुए, तो वो खुशी बांटने के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया था। तो वो खुशी में मैं भी शरीक हुआ, हम लोग ने केक वगैरह काटे। मैं इतना ही कह सकता हूँ अभी फ़िलहाल कि सियासत उथल पुथल हर तरफ होती रहती है। जो इंसान अपनी मेहनत किया है, लोगों के दिल में जो जगह बनाया है, उसको कोई नहीं निकाल सकता है। तो इस क्षेत्र की आवाम भी इस बात को समझती है, हम लोग भी इस बात को समझते हैं, और इंशाल्लाह ताला जो ये ग्राउंड रिपोर्ट्स जो भी हैं, मैं मेरे हाई कमांड तक पहुंचाऊंगा पक्का, ये बात पक्का। और जहाँ तक मेरी सियासत है, मेरी सियासत के चंद उसूल हैं। हकदार को हक दिलाना, जिसने ईमानदारी और मेहनत से जो कुछ कुर्बानियाँ दिया है, उस कुर्बानियों की कीमत अदा करना, उस कुर्बानियों को अप्रिशिएट करना, ये मेरी फितरत में पाया जाता है। तो इंशाल्लाह ताला वक्त से पहले बड़ी बातें भी घमंड भरी बातें होती हैं, वक्त के बाद कोई बात करना वो बेखौफी वाली बातें होते हैं। तो मैं ये दोनों बातें नहीं करना चाहता। वक्त आने दें, वक्त का इंतज़ार करें, उम्मीद पर दुनिया कायम है। इंशाल्लाह ताला जो सच्चाई और ईमानदारी से जो जिस रास्ते पर चलता है, अल्लाह उसको उसका फल ज़रूर देगा। ये उम्मीद तो मुझे भी है, ये उम्मीद तो सलीम को भी होना चाहिए इंशाल्लाह। और पार्टी में इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, इसकी कदर मैं करता हूँ, और आगे का आगे देखा जाएगा इंशाल्लाह। सिर्फ पार्टी की बात नहीं है, ज़िंदगी की बात है। ज़िंदगी में हर कोई अपनी रेस में आगे बढ़ना चाहता है। जो आगे बढ़ना चाहता है वो किसको टारगेट रख के आगे बढ़ता है, जो उससे आगे जो है उसको पीछे खींच के आगे बढ़ने की अरमाने लेके दौड़ता है। वो वक्त फैसला करेगा कि इसमें कौन दौड़ता है, कौन जीतता है या कौन हारता है, वो फैसला वक्त करेगा। और पार्टी के ताल्लुक से आप सियासी ताल्लुक से बात कर रहे हैं, तो यहाँ के वोटर हैं, ये वोटर फैसला करेंगे कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। वो बात की बात है, अभी अर्जेंट में बात नहीं करनी चाहिए। पैसे के बलबूते पे या पार्टी की सीनियरिटी पे, देखिए कई कई जगह ऐसा होता है, कुछ सीनियर लोग रहते हैं जो पैसे से मजबूत नहीं होते हैं। तो मैंने ऐसे कई लोगों को नाउम्मीद होते हुए भी देखा है, और कुछ लोग हैं पैसे के बलबूते पे आ तो जाते हैं लेकिन हार के जाते हुए भी मैंने देखा है मेरी ज़िंदगी में। तो आप ये दोनों बात को एक साथ में जोड़ के नहीं देख सकते। जाहिर है सीनियरिटी की कदर होगी हमारी पार्टी में। और जहाँ तक जफरुल्ला खान की इंसाफ का सवाल है, मैं कभी कोई पैसे वाले की हिमायत नहीं करता, बल्कि जो मेहनत किया उसका कदर करता हूँ, उसके हक़ में इंसाफ दिलाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे अपने उसूल हैं, हमेशा मैं हक के फैसले करूँगा। पैसा ज़िंदगी में हमने भी देखा है, तो पैसे हो जाने से नहीं, इंसान में काबिलियत रहना चाहिए, और वो मेहनत जिसने जो मेहनत किया उसका हक देना चाहिए, वरना पार्टी पे भरोसा करेगा कौन। मेरे उसूल तो यही है कि जिसने मेहनत किया है उसको उसका हक दो, ये मेरे उसूल है। सलीम कोई फ़कीर तो नहीं है ना, ये बात भी तो आपको पता होना चाहिए अगर तुम सलीम के ताल्लुक से बात कर रहे हो। देखिए, लोगों का रसूख होना, उनके दिलों में मोहब्बत, उनके दिलों में जगह बनाना, ये सबसे बड़ा पैसे से बड़ी ताकत होती है ये। तो आज सलीम पाशा क्यों प्रोग्राम से गैर हाजिर रहे सर? अब बेहतर हो आप इस सवाल का जवाब सलीम पाशा से पूछे, उनकी अपनी मसरूफियत क्या थी, उनकी क्या वजूहत थी, उनका फैमिली प्रॉब्लम क्या था, उनका सेहत का क्या प्रॉब्लम था, बेहतर वो जवाब देंगे। मैं कोई अंतर्यामी कोई स्वामी तो नहीं हूँ ना कि मैं किसके भी दिल का हाल जान लूँ। उनका हाल, उनके दिल का हाल आप उनसे पूछ सकते हैं।